नमस्कार दोस्तों दोस्तों हम साथ साथ फिल्म में एक गाना है, उसकी शूटिंग लोकेशन जसवंत थड़ा पैलेस और मेहरानगढ़ फोर्ट में हुई है। यह जोधपुर राजस्थान में स्थित है। दोस्तों ये जो प्रतिमा आप देख रहे हो, यह जोधपुर के महाराजा राव जोधा जी की प्रतिमा है। कहा जाता है कि इन्होंने ही जोधपुर शहर को बसाया था। चलिए चलते हैं दोस्तों। टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद अब हम अंदर जा रहे हैं और यहाँ का नज़ारा बहुत ही कमाल का दिख रहा है। दोस्तों पहले हम शूटिंग लोकेशन एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ का इतिहास जानेंगे। आप सामने जो सीढ़ियाँ देख रहे हो यहीं से एंट्री करना है। चलिए चलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर एक छोटी सी झील बनी हुई है। दोस्तों गाने का एक सीन यहाँ से लिया गया है। ये जो फाउंटेन आप देख रहे हो इसके साइड में ही मोहनीश जी खड़े रहते हैं और पीछे सीढ़ियों पर बाकी के कलाकार डांस करते रहते हैं। दोस्तों स्क्रीन शॉट में आप फाउंटेन मैच कर सकते हो, पीछे सीढ़ियाँ वह मैच कर सकते हो और जो मेहरून कलर में आपको गैलरी दिख रही है वह भी मैच करके देख सकते हो। यह वाला सीन यहीं पर फिल्माया हुआ है। दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट सीन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप देख सकते हो कि जो फाउंटेन है इसके पास में तब्बू और मोहनीश जी डांस करते हुए रहते हैं और आप पीछे की जो सीढ़ियाँ और कॉलम है वह मैच कर सकते हो जहाँ पर बाकी के कलाकार डांस करते हुए रहते हैं। दोस्तों गाने का एक सीन यहाँ इन सीढ़ियों पर लिया गया है जब तब्बू डांस करते हुए इन सीढ़ियों से नीचे आती है। दोस्तों आप छतरियाँ मैच कर सकते हो, सीढ़ियाँ मैच कर सकते हो और ये जो कॉलम है और आरसी की जो डिज़ाइन है वो भी मैच करके देख सकते हो कि गाने का यह वाला सीन यहीं पर फिल्माया हुआ है। दोस्तों आप स्क्रीन शॉट में मैच कर लीजिए। दोस्तों चलिए चलते हमारे गाने के नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। गाने का एक सीन यहाँ गार्डन में फिल्माया हुआ है जब तब्बू और मोहनीश जी यहाँ गार्डन में डांस करते रहते हैं। स्क्रीन शॉट में आप पीछे छतरियाँ मैच कर सकते हो और ऊपर छोटे से गुंबद जो बने हुए वह भी मैच करके देख सकते हो। दोस्तों बाकी के कलाकार भी यहाँ गार्डन में ही डांस करते रहते हैं, आप छतरियाँ मैच करके देख सकते हो। दोस्तों मूवी को थोड़ा टाइम हो गया तो आप देख सकते हो यहाँ पर पेड़ पौधे उगाए। पहले उस टाइम पे कुछ पौधे थे कुछ नहीं थे, कुछ पेड़ थे नहीं थे, ऐसे थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते। दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट सीन की तरफ। गाने का एक सीन यहाँ फिल्माया हुआ है तब्बू यहाँ गार्डन में डांस करते रहते और बाकी कलाकार छतरियों में डांस करते रहते। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ अब बहुत से पेड़ पौधे हो गए। गाने की शूटिंग के समय यह नहीं थे, बस ये बड़ा वाला एक पेड़ है जो कि उस टाइम छोटा था। मूवी के टाइम पर आप देख सकते हो छोटी सी जो छतरी बनी उसके पीछे वाला जो पेड़ है आप स्क्रीन शॉट से मैच कर लीजिए। दोस्तों चलिए चलते नेक्स्ट सीन की तरफ। दोस्तों गाने में एक सीन में आपने देखा होगा कि जब तब्बू, सोनाली बिंद्रेकर, इस्मा कपूर और नीलम कोठारी यहाँ इन सीढ़ियों के पास डांस करती रहती और बाकी के कलाकार पीछे की गैलरी में डांस करते रहते। दोस्तों आप स्क्रीन शॉट में पीछे की सीढ़ियाँ मैच कर सकते हो और गैलरी मैच कर सकते हो। आप देख सकते हो दोस्तों कि यह वाला सीन यहीं पर फिल्माया हुआ है। दोस्तों यहाँ एक यह बड़ा वाला पेड़ है इसके कारण आपको सीढ़ियाँ प्रॉपर नहीं दिखाई दे रही, बाकी आप गैलरी मैच करके देख सकते हो कि यह वाला सीन यहीं पर फिल्माया हुआ है। दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट सीन की तरफ। दोस्तों गाने का एक सीन यहाँ इन कॉलम्स के बीच में फिल्माया गया है। आप
देख सकते हो कि गाने में जब मोनिस बहल और जो तब्बू रहती है वह इन कालम के बीच में कालम के उधर की साइड पर दोनों डांस करते हुए रहते हैं। आप स्क्रीनशॉट के द्वारा पीछे का जो पहाड़ है वह मैच कर सकते हो और जो एक कॉलम सीरीज में बने हुए हैं इन कॉलम की डिज़ाइन भी मैच कर सकते हो और कॉलम मैच कर सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो कि यह वाला सीन यहीं पर फिल्माया हुआ है। दोस्तों गाने का एक सीन यहाँ ऊपर छत पर फिल्माया हुआ है। आपको तीन छोटी छतरियाँ दिख रही होगी और एक बड़ी छतरी दिख रही होगी। इन छतरियों के पास में ही ऊपर एक सीन फिल्माया हुआ है जब तब्बू झूमती हुई रहती है। आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैच कर सकते हो, तीन छोटी छतरियाँ मैच कर सकते हो और यह बड़ी वाली छतरी भी मैच करके देख सकते हो कि गाने का यह वाला सीन यहीं पर फिल्माया हुआ है। दोस्तों चलिए चलते गाने के नेक्स्ट सीन की तरफ। दोस्तों गाने का नेक्स्ट सीन यहाँ कॉलम के पास में फिल्माया हुआ है। आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो कि मोनिस जी और तब्बू के साइड में पीछे आपको कॉलम दिख रहे होंगे और साइड में जो जाली है वो भी आपको दिख रही होगी। दोस्तों यह वाला सीन यहीं पर फिल्माया हुआ है, आप मैच कर सकते हो। दोस्तों चलिए चलते नेक्स्ट सीन की तरफ। दोस्तों गाने का एक सीन यहाँ पर फिल्माया हुआ है। आप ये जो पीछे छोटी दो विंडोज देख रहे हो इसी जगह एक सीन लिया गया है। आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैच कर सकते हो कि आपको तब्बू और मोहनीश जी के पीछे ये दो छोटी विंडोज दिख रही होगी और ये जो ग्रीन कलर की विंडो बनी हुई है ये आप मैच करके देख सकते हो कि गाने का यह वाला सीन यहीं पर फिल्माया हुआ है। दोस्तों चलिए चलते गाने के नेक्स्ट सीन की तरफ। दोस्तों गाने का एक सीन यहाँ कॉलम के पास में फिल्माया हुआ है। आप स्क्रीनशॉट के द्वारा मैच कर सकते हो। दोस्तों आपको कॉलम दिख रहे होंगे, सीढ़ियाँ मैच कर सकते हो, साइड में ये पैरापिट टाइप सीढ़ियों के साइड में जो बनी हुई है यह भी मैच करके देख सकते हो कि गाने का यह वाला सीन यहीं पर फिल्माया हुआ है। दोस्तों चलिए चलते हैं जसवंत थड़ा के इतिहास की तरफ। जसवंत थड़ा पैलेस एक स्मारक है जिसे जोधपुर के महाराजा सरदार सिंह ने अपने पिताजी महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में सन 1899 में बनाया था। यह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और यही पास में एक छोटी सी झील है जो इसे और भी खूबसूरत बनाती है। दोस्तों जोधपुर में अब तक मारवाड़ के जितने भी राजपूत राजाओं ने शासन किया था उनकी छत्रियाँ बनी हुई है। जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है और सन सिटी भी कहा जाता है। यह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है और मेहरानगढ़ किले के पास में ही जसवंत थड़ा पैलेस है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।